गडकरी जी, आपने राष्ट्र निर्माण की बात करी, अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर जो पिछले 10 सालों से आप और प्राइम मिनिस्टर दोनों बात कर रहे हैं, वो है हाईवेज। जिस तरीके से देश के अंदर जिस रैपिड पेस पे हाईवेज बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। अब कुछ ही समय पहले बात हो रही थी इलॉन मस्क की, एंड इलॉन मस्क सेड कि ही इज कमिंग टू इंडिया। आपने थोड़े समय पहले कहा था कि इलॉन मस्क इज वेलकम इन इंडिया, बट उनको हिंदुस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ना कि चाइना के अंदर। आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि, और इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि जब से इलॉन मस्क ने पब्लिकली कहा है कि हिंदुस्तान आने वाले, चाइना हैज सेड कि भाई हिंदुस्तान के अंदर आके कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया नहीं बन सकता है। यू एडवोकेटेड कि इंडिया इस वक्त थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और नंबर वन की तरफ बढ़ सकता है। ईवी के अंदर आप एडवोकेट कर रहे हैं कि हम एक बड़ा हब बन सकते हैं, 1 मिलियन प्लस बैटरी व्हीकल्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, जो एक समय में 93,000 था। सो हाउ डू यू सी, क्या इलॉन मस्क का टेस्ला का अगर हिंदुस्तान के अंदर आना विल बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द एंटायर मार्केट? मैं जब मंत्री बना तो हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की थी, अब वो 12.5 लाख करोड़ है। और जब मैं मंत्री बना था हम 7वें नंबर पे थे, आज हम 3रे नंबर पर आए। 3 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। पहले नंबर पर चाइना है, 2रे नंबर पर अमेरिका है, 3रे नंबर पर हम हैं और हमारे बाद जापान है। ये इंडस्ट्री देश को, राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। ये इंडस्ट्री करीब 4.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करती है और ये इंडस्ट्री जो है ये हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूट करती है। हमारा टू व्हीलर जैसा है, बजाज, टीवीएस, हीरो, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। तो इलॉन मस्क जो है हिंदुस्तान में सब वेंडर्स है अभी, तो जो इलॉन मस्क अपना प्रोडक्ट अमेरिका में बनाएगा उसकी कॉस्ट 100 रुपये आएगी, हिंदुस्तान में उसकी कॉस्ट 70 रुपये आएगी। तो वो धीरे धीरे मर्सिडीज से लेकर वर्ल्ड के ऑल ब्रांड्स हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। और हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, तो स्क्रैप करने से लोहा, स्टील, प्लास्टिक, रबर, कॉपर, एल्यूमिनियम सब रिसाइकलिंग होगा और कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ बनाने में उनकी कॉस्ट भी कम होगी और यहाँ से ऐसी लॉजिस्टिक सेंटर रही है कि वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट भी करना उनके लिए आसान होगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरा देखते हुए आ रहे हैं और उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक में, अभी मैं मर्सिडीज लॉन्च की थी तो उन्होंने कहा था इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल हब वर्ल्ड का नंबर एक का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया 5 साल में बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास। आप ये एनविजन करते हैं कि हम चाइना को बीट कर सकते हैं एज ईवी हब, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस वक्त चाइना की जो रेट ऑफ ग्रोथ है सबसे ज्यादा है? देखो, मैं न चाइना की बात करूंगा न मुझे कोई कॉमेंट्स करनी है, पर एक बात बताऊंगा कि 5 साल के अंदर इंडिया वर्ल्ड का नंबर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। ट्रक, बसेस से लेकर कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा तक पूरा हिंदुस्तान में बनेगा और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, यानी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे ये हम लोग काम करेंगे। और इतना ही नहीं तो अब हम ये एविएशन फ्यूल भी हमारा किसान बनाएगा। वो केवल अन्नदाता नहीं, केवल ऊर्जादाता नहीं, केवल बिटुमिन भी बना रहा है किसान, अब किसान हवाई ईंधन दाता बनेगा और देश की इकोनॉमी बदल जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।